टेनिस के पूर्व महान खिलाड़ी बोरिस बेकर को दिवालियापन के मामले में एक अदालत ने शुक्रवार को 2.5 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें दिवालिया घोषित होने के बाद बैंक खाते से अवैध रूप से हजारों डॉलर हस्तांतरित किए जाने के मामले में दोषी पाया है। 3 बार के विंबलडन चैंपियन को इस महीने की शुरुआत में दिवाला अधिनियम के तहत 4 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अधिकतम 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जर्मनी के 54 साल के इस खिलाड़ी ने जून 2017 में दिवालिया होने के बाद अपने व्यवसायिक खाते से अन्य खातों में सैकड़ों हजार पाउंड डॉलर स्थानांतरित किए थे। उन्होंने ये ट्रांसफर अपने बिजनेस खाते से अन्य खातों में किए थे, जिसमें उनकी पूर्व पत्नी बारबरा और शर्ली लिले बेकर भी शामिल थी। उन्हें जर्मनी में एक संपत्ति घोषित करने में विफल रहने और तकनीकी फर्म को 8,25,000 यूरो बैंक ऋण और शेयरों को छिपाने का भी दोषी ठहराया गया था। उन्हें 20 अन्य मामलों में बरी कर दिया गया था, जिसमें ये आरोप भी शामिल था कि वे अपने कई पुरस्कारों को सौंपने में विफल रहे, जिसमें 2 विंबलडन ट्रॉफियां और 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। लंदन के साउथवर्क क्राउन कोर्ट की जूरी ने उन्हें 20 अन्य मामलों में बरी कर दिया। बेकर विंबलडन के बैंगनी और हरे रंगों में धारीदार टाई पहनकर अपनी प्रेमिका लिलियन डी कारवाल्हो मोंटेरो के साथ अदालत आए थे। 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए काम करने वाले ट्रस्टियों के साथ सहयोग किया था और विशेषज्ञों की सलाह पर काम किया था। टेनिस जगत में बोरिस बेकर को महान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। बोरिस ने 6 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। वे 3 बार विंबलडन और 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और 1 बार US ओपन जीत चुके हैं।